हाँ जी, अभी अब ट्रैवल शुरू करने लगे हैं। बैग वगैरह बंद किए, तकरीबन आधा घंटा बैग बंद करते हुए लग जाता है। तो आज हम अपने सेकंड डे पे चलेंगे। अभी इधर से शारदा से पहले एक जगह आती है आठ मकाम, वो जगह तकरीबन यहाँ से 4 घंटे पे है। बड़ा लंबा सफ़र है, अब देखें क्या होता है आगे। आगे देखते हैं होता है क्या, होना वही है जो मंजूर है खुदा। जी, अब हम अभी अपने सफ़र का आगाज़ किए और हवा काफ़ी ठंडी है, जो कि सुबह का टाइम है, सुबह के 6 हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या सीन है। नाश्ता हम तकरीबन 2 आवर की राइड करने के बाद, 2 घंटे की राइड करने के बाद ही लेंगे, क्योंकि नाश्ते के चक्कर में ना बंदा और सुस्त हो जाता है, और जब थके हुए खाएंगे ना और रास्ते में, फिर बस टाइम भी थोड़ा लगेगा और खा के आगे और चल पड़ेंगे, रुकना नहीं पड़ेगा। अब आगे देखें क्या होता है। ये राउंड अबाउट बनाए हैं, लेकिन यहाँ राउंड अबाउट कौन फॉलो करता है। वैसे भी सुबह के टाइम पे रश नहीं है, तो बस निकल जाओ। ये मेरे पीछे इंडिया का कश्मीर है जी, जो इंडिया में है। और ये देखें आप, इंडिया का झंडा लगा हुआ है, और इधर बीच में दरिया, और ये पाकिस्तान, बिल्कुल ना हम बॉर्डर पे खड़े हैं। ये पाकिस्तान का झंडा और ये इंडिया का झंडा। लगा लगा के जाते हाँ जी। ये एक जगह रुके हैं, अभी इधर से नाश्ता वगैरह या चाय वगैरह पियेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। ये जी एक चटपाई है, 2 कुर्सी हैं, यही सीन है। हाँ जी, आगे हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि किरण स्टॉप आए, उधर से चाय वगैरह पिए। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, और ये जो रोड, ये रोड पाकिस्तान की है, और साथ वाली रोड जो दूसरी तरफ, ये इलाका, ये सारा इंडिया वाला कश्मीर है। तो बिल्कुल हम ना साथ साथ ही जा रहे हैं, बीच में सिर्फ एक दरिया है जिसको वो LOC कहते हैं या बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत एरियाज़ हैं, मौसम भी ठीक ही है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ना गर्मी ना सर्दी, सही मतलब बाहर वाला मौसम है। और अब देखें, थक तो गए हैं, कोई चाय वगैरह पी के रेस्ट वगैरह करें।
बस ना इधर हर थोड़ी देर बाद ना इधर आपको इस तरह बकरे घोड़े भेड़े गधे सब कुछ नजर आएगा, मतलब ना एक दो नहीं 200-300 इकट्ठे ही। तो ये ना मुझे ये नेचुरल जो ब्यूटी है ना कश्मीर की, ऐसे नेचुरल चीज़ें मुझे ये बड़ी पसंद है। ये आपको वो जो दूसरा नॉर्थ वाला इलाका है ना उधर नहीं नज़र आएगी, ये नेचुरल ब्यूटी सिर्फ आपको ना कश्मीर में ही नज़र आएगी। ये सारे मज़े कश्मीर का ही हैं और कश्मीर की जो खूबसूरती का मुकाबला है ना वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये बाकी जो नॉर्थ साइड है ना बल्तिस्तान स्कर्दू वाली, वैसी आपको जगह कहीं और भी मिल सकती है ना देखने को, लेकिन ये जो कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी है ना ये पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। ये सिर्फ उसके लिए आपको इधर कश्मीर ही आना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर ही असल जन्नत है। जी अभी ब्रेक लगाई है हमने चाय की शारदा में और ये इधर से हम चाय पी रहे हैं और इसके बाहर ये आप बस व्यूज़ चेक करें। अब पता नहीं इधर से रास्ता बंद है, रोड बंद की हुई है इन्होंने, क्या वजह होगी है। उस्ताद जी क्यों बंद है रोड, क्यों बंद है, कितनी देर बंद है? 5 मिनट। सड़क का काम कर दे पिनक, अब सड़क का काम हो रहा है, 5 मिनट बाद ना रोड खुल जाएगी। हाँ जी 10-15 मिनट रुकने के बाद अब रास्ता खुला। ऊपर काम कर रहे थे और ऊपर पहाड़ से नीचे पत्थर गिर रहे थे तो इसलिए रास्ता रोका हुआ था, लेकिन अब वो काम लंबा था, उन्होंने फिर जिनको रोका हुआ था उनको भेजा काम रुकवा के। अब जब रश काम होगा तो फिर वो दोबारा काम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शुक्र है कि 15 मिनट ही बैठना पड़ा, इतने चले, टांगों को भी रेस्ट मिल गया। अब ये प्रॉपर घोड़े जा रहे हैं जी बीच सड़क के, यहाँ मोटरसाइकिलें कम घोड़े ज़्यादा हैं और बकरियों की तो गिनती करना ही मुश्किल है, पहाड़ी बकरे हैं सही। इनकी नमकीन कढ़ाई बनी हो तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाए। आने रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है तो हम इधर से ही ना कहीं चाय पी लेते हैं तब तक रास्ता खुल जाएगा। अंकल जी चाय किधर से मिलेगी? ये वाला भी है खुला हुआ, ये भी है। अब ये स्नैन साहब इनके ढूंढ रहे हैं, इनकी इनके हमने टेंट में लगी हुई थी, टेंट में ही पैक कर दी है, तो अब इधर से चाय वगैरह पियेंगे तो फिर देखते हैं। ये बस आप व्यू चेक करें कि ऊपर पहाड़ के ऊपर बर्फ पड़ी हुई, साइड पे सब्ज हरे पहाड़ और बीच में से ना एक चोटी सफ़ेद कलर की नज़र आ रही है। ओए होए होए इसको देख के भी ना दिल गार्डन गार्डन हो गए। और दरिया, ओ दरिया तो मैं कहता हूँ कि ठाटे मारता जा रहा है ना, दरिया कहता है कि मुझे बहने दो आज, आज ना रोको मुझे, फुल अपनी मस्ती में जा रहा है दरिया, क्या मस्ती है इस दरिया की। और आवाज़ और ठंडी हवा
सारे पैसे इस चीज़ के हैं। ये बारिश लगी हुई है, एकदम शुरू हो गई है और हम वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं हर चीज़ की जितनी हमसे हो जाए, क्योंकि रुक तो सकते नहीं है बारिश में। और बस मैन साहब चाह रहे हैं जी शूज़ कवर, वाटर प्रूफ ट्राउजर पहन लिए, जैकेटें पहले ही वाटर प्रूफ हैं। अब देखते हैं कि कितना बचते हैं हम बारिश से जी। अभी ये केल जाते हुए रास्ते में हम रुके हैं, यहाँ एक पत्थर आता है वो शक्ल बनी होती है, वो मेरे पीछे देखें, ये चेक करें बिल्कुल ना, एक शक्ल बनी हुई है, ज़बरदस्त किस्म का पत्थर है और ये बड़े फेमस पॉइंट है। तो अभी सोचा कि जल्दी जल्दी ब्रेक लगा के ना इसके व्यू काट लें। अभी हमने केल से लिफ्ट ली, अब औरंग केल की तरफ आए। यहाँ से तकरीबन 90 मिनट्स डेढ़ घंटे की हाइक के ऊपर, उसके बाद फिर हम ऊपर औरंग केल पहुँचेंगे।